हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्रेड की जो हमने मॉर्निंग में लिया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पूरा डेटा भी कि डेटा कैसे देख सकते हो आप भी, कैसे कंफर्मेशन निकाल सकते हो। एंड फिर हम बात करेंगे कल के लिए कि कल कैसे अपने को निफ्टी ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, दो चीज तीन सी चीजें आपको डेली फॉलो करना। सबसे पहले आता है आपका प्राइस एक्शन यानी आपका लेवल, जो कि हमारा ये लेवल था। ठीक है, तो ये लेवल। अब उसके बाद आता है आपका डेटा। डेटा आपको देखना चाहिए ऑप्शन चैन हो या कोई और थर्ड पार्टी वेबसाइट से। फिर आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, कि बाय द वे अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता, आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपका कम रिस्क होना चाहिए जिससे आपका लॉस भी कम हो। ठीक है, एंड प्रॉफिट हो तो आप ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो अगर आपके फेवर में जाए। तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन साथ ही हम जाके इंटर करते हैं। ये मेरा पर्सनल, आप समझ सकते हो, ये सेटअप है, मैं इसी तरह से फॉलो करता हूँ, तो आपको भी इसी तरह से फॉलो। अब यहाँ पर आप देखो कि लगभग जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था मार्केट आपका 9 बज के लगभग यहाँ पर 40 मिनट के आसपास। और ये चीज मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, आप देख सकते हो, 9 बज के 30 मिनट पे, एंड उसके बाद 9 बज के 40 मिनट पे, एंड बाय अबो आपको देखना है 120 पे। एंड देन हमारा जो ब्रेकआउट हुआ था वो 45 पे ब्रेकआउट हुआ था, 120 से 125, सबसे पहले 5 रुपए का मोमेंटम हुआ था मार्केट। ठीक, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसी क्या चीजें हमने देखा था वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन चैन का चार्ट वीडियो है, मैंने रिकॉर्ड किया था टाइमिंग के साथ, 9 बज के 37 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। एंड उसके बाद देखो कि जब मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 19,500, एंड उसके बाद आता है 19,450। मार्केट जो रिवर्स हुआ था, आपका जो रिवर्स हुआ था, हमारा जो लेवल था 19,470 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेवल दिखाता हूँ, 19,470 का हमारा लेवल था। तो हमारे नियर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 500 है एंड 450 है। तो आपको अब आइए आप यहाँ पर। ठीक है, अब लेवल क्या है कि यहाँ पर क्या है कि सेल हो रहा है। ठीक, अब यहीं पर आपको, अब आज आपको समझना है कि वॉल्यूम का लॉजिक कैसे समझा था, मैं अभी आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। देखो, जब भी रिवर्स होता है मार्केट क्या होता है, डाउन आता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, ऊपर डाउन होता है। एंड जब भी मार्केट क्या होता है कि आपका अपसाइड के लिए रिवर्सल होता है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा एंड ओपन इंटरेस्ट कम इंक्रीज होगा। ठीक, यानी कॉल साइड से क्या होगा, कॉल साइड में क्या होगा, जब मार्केट डाउन है तभी भी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, जब मार्केट अपसाइड गया होगा तभी वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा। बट समझने वाली बात यह कि जब मार्केट डाउन आ रहा होगा तो दूसरे पार्टी को लॉस हो रहा होगा, यानी पुट में क्या होगा, लॉस हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो तब से मतलब मॉर्निंग से 9:15 से ही अब वो एग्जिट करना स्टार्ट करेगा अपने ट्रेड को। ठीक है, तो कंपेयर कॉल वाले से वॉल्यूम क्या होगा, पुट में ज्यादा, क्योंकि वो तब से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा साइकोलॉजी आपको समझ लीजिए। 19,500 का अगर आप देखोगे, यहाँ पर 6 लाख का वॉल्यूम है और यहाँ पर आप देखोगे 9 लाख का वॉल्यूम है। ठीक, क्योंकि इसको लॉस हो रहा है ना, क्योंकि पुट वाले को लॉस हो रहा है उस केस में। एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट, चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा हुआ यहाँ पर 1,30,000 हुआ, क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं दबा के, मार्केट डाउन ला रहे हैं, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हुआ, वॉल्यूम इसलिए इंक्रीज, क्योंकि ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, जो पोजीशन को होल्ड किए थे वही लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर कंफर्मेशन यहाँ पर था 500 पे कि मार्केट क्या होगा, मार्केट 500 के नीचे जाएगा तो रिवर्स होगा किसी भी टाइम। ठीक, 19,500, मैं आपको हमेशा बताता हूँ दो स्ट्राइक को आपको देखना चाहिए, जब मार्केट आपका एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, जब मार्केट आपका किसी दो स्ट्राइक प्राइस से बीच में हो, उसके ऊपर वाला देखना, उसके नीचे वाला। अब उसके बाद हमको देखना था 450 का। अब 450 पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपका 450 पे 5 लाख का वॉल्यूम इसमें है, एंड अगर हम बात करें कॉल साइड भी, तो कॉल साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम कम। ठीक, वॉल्यूम कम है कॉल साइड में, क्या है कि वॉल्यूम कम, क्यों, क्योंकि 450 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। जब मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया है तो क्या होगा, तब ना तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, यानी पुट में क्या होगा, पुट को क्या होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। इसलिए क्यों, यहाँ पर अगर आप देखोगे 43,000 का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखो वॉल्यूम क्या है आपका, लगभग 1 लाख के आसपास है। ठीक, और यहाँ पर आप देखोगे वॉल्यूम 5 लाख के आसपास है, एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें आपका तो यहाँ पर 14,000 का कॉन्ट्रैक्ट है। यहीं पर देखो आप जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो लाइव मार्केट में, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल पकड़ लेता है, मतलब आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखो 450 को ब्रेक नहीं किया मार्केट। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि इंट्राडे में चेंज ओपन इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि 450 पे लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे। ओके, तो एक तो आप ये कंफर्मेशन, ठीक है, तो आपको ये कंफर्मेशन मिल गया। एंड दूसरी चीज आपको ये समझना था आपको पुट साइड में,
अब पुट साइड में क्या है कि पुट को क्या करना है, 450 वाला क्या करेगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा। जब मार्केट ऊपर ले जाएगा, कोई ऊपर से नीचे ला रहा है और ये नीचे से ऊपर ले जाएगा, तो इसको ज्यादा लोग चाहेंगे। ठीक, ज्यादा लोग चाहिए, इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए एंड आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर बायर्स क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, यानी लोग ओपन करके बैठेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव करेंगे तभी जाके मार्केट रुकेगा, अदरवाइज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, एंड प्लस आपका टोटल ओपन इंटरेस्ट भी, यानी बिग प्लेयर भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड किया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 21,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर देखोगे 95,000, लगभग 95,000। ठीक, तो ये एक अलग कंफर्मेशन था। ठीक, यहाँ पर आपका हो गया दो दो कंफर्मेशन। उसके बाद आपको कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोला कि यहाँ पर आप जाके इंटर हो सकते हो। ठीक है, तभी जाके ये इतना अच्छा खासा एक्यूरेसी निकला, सभी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी किया और हमारा जो टारगेट था वो भी हिट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो एंड पूरा चीजों को आप समझ के ट्रेड करते हो, तब जाके आप ट्रेड निकाल पाओगे, एक सक्सेसफुल ट्रेड। ठीक है, अब बात करते हैं कल के लिए। तो कल जो हमने लेवल्स आपको बताया था, निफ्टी का एग्जैक्टली वैसा वर्क किया, निफ्टी भी हमने लेवल्स बताया था, निफ्टी वाला भी वर्क किया, फिर निफ्टी में जो कल बताया था वो भी लेवल, फिर निफ्टी में बताया था कि मार्केट क्या 375 आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बाद आपका 300 इंपॉर्टेंट लेवल है। 375 अगर मार्केट रेंज होगा तो मार्केट क्या होगा, डाउन साइड, जो कि रेंज हुआ मार्केट वहीं से पुश होकर डाउन साइड आया। ठीक है, आज एक्सपायरी था इसीलिए मैंने फिर निफ्टी में ट्रेड किया, अदरवाइज मैं निफ्टी में ट्रेड करता तो बहुत ज्यादा और प्रॉफिट होता 2 बजे के आसपास। ओके, बट लेकिन जिस पे हमको टारगेट करना चाहिए, आपका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पलटी नहीं खाना है। ठीक है, किसी भी चीज की अगर आप बात, कोई भी चीज आप बोल रहे हो तो अपने माइंडसेट पूरा बिल्कुल सेट, मतलब आप मतलब सच्चाई बोलो और उसी पे अड़े रहो आप, है ना, मेरे कहने का मतलब ये। एंड बात करते हैं कल के लिए, कल कैसे अपन ट्रेड। तो देखो सिंपल सा यहाँ पर ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, या मार्केट गैप ओपन होता है, सेम यही लेवल आपको वर्क करेगा, 18,127 पे एक रिवर्सल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि मार्केट 18,222 और 200 के बीच में ही रेंज होने के बाद क्या होगा, एक रिवर्सल आपको मिलेगा। ठीक, और रिवर्सल मिलेगा, सबसे पहले टीपी आपको मिलेगा 260 एंड सेकेंड टीपी आपको लगाना है आपको 315 का। ठीक, ये आपका दो टीपी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर यहीं पर कहीं पर 20 में ओपन होता है, गैप ओपन होता है और 350 पर अगर रेंज होता है, तो सिंपल फिर से आपको डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो आपको डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड मिलेगा, जो कि हमारा टारगेट होगा। तो हमारा ये टारगेट है, ये 220 वाला आपको इग्नोर करना है, 18,220 वाला इग्नोर करना है, सीधा आपको 200 रखना है, 20 पॉइंट और कैप सेट मिलना है। ठीक है, और अगर अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो 375 ही हमको मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जब भी मार्केट इधर जाएगा रुकेगा जरूर। ठीक, और जहां पर रुकने के बाद देखो, अगर मार्केट पुल बैक होता है, पुल बैक मार्केट थोड़ी देर अगर यहाँ पर रेंज होता है, अगर रेंज हुआ तो आप ये समझ जाना कि मार्केट लॉन्ग होने वाला है और आपका ब्रेकआउट होगा, तो फिर आपका 400 वाला भी ब्रेक हो जाएगा, 427 जो है ये भी ब्रेकआउट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है इन पे आपको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको अगर इनको लाइव मार्केट में आपको अपडेट पाना है, तो आपको टेलीग्राम को जाना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको वही चीजें एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो उन सारी लेवलों पे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। एंड इसके बाद मैं बैंक निफ्टी वाले वीडियो डालूंगा, तो पूरा डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा, ये डेटा भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरा और डिटेल में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा मुझे दोस्तों मोटिवेट करता है आप लोग का लाइक, एंड कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, तभी वीडियो को मेरे शूट भी करने का मन करता है और आपको चीजों सारी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के भी आपको मन करता है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें, अब ये सेकंड वाला जो पार्ट है ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने आपको यहाँ पर रिवर्सल फाइंड किया था और जो हमने टारगेट यहाँ पर बनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं सेकंड वीडियो में, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर 133 से हमने 180 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम कैप्चर किया है, ये आप देख सकते हो। ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।